वेलकम टू बोलिंग। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लिया है और अपने लिए स्पार्कलिंग वाटर भी लिया है। तो देखिए अब मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, ये पेट्रोल पंप तो है ही, गिफ्ट शॉप तो है ही यहाँ पे साइड में, पर मेरे पीछे ये मोटेल भी है, यानी कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। अगर आपको रहना है तो ये व्यू को इंजॉय कर सकते हैं। और इतना ही नहीं है, वहाँ पर पब भी है। जी हाँ, शाम को अगर आप नाइट लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं तो पब की भी यहाँ पे सुविधा आपके लिए है। इन हसीन वादियों में आके मुझे बॉलीवुड का एक गाना याद आ रहा है, क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सा सॉन्ग है? जी हाँ, आपने सही गेस किया, वो है ये हसी वादिया ये खुला आसमां। जी नहीं, मैं गाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, आई एम अ वेरी बैड सिंगर, पर इस वादियों को देख के वो गाने की जो मेलोडी है ना, वो आप एग्जैक्टली अगर आप प्ले करेंगे ना ड्राइव करते वक्त, तो यार मस्त फील करेंगे, एकदम बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो बस अब मैं थोड़ा 5-10 मिनट वॉक करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव कर चुकी हूँ, और उसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। अब आ गई हूँ मैं बोले के यहाँ पे। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ वहाँ तक आपको ये टर्कोइज वाटर दिखेगा, और उसको कवर करता हुआ, उसको प्रोटेक्ट करता हुआ माउंटेन्स आपको दिखाई देगा। इनफैक्ट ये जो व्यू है, ऐसे लगता है बस मैं रात दिन यहीं पे बैठी रहूँ, कहीं नहीं जाऊँ। पिछले वीडियो में जैसे कि आपने देखा, हम थे लेक लुइस और मोरेन लेक के यहाँ पे। अब उसी से अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे ये बो लेक व्यू पॉइंट के यहाँ पे। यहाँ पे एक पार्किंग स्पॉट है जहाँ पे आप अपनी कार्स को पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कार्स पार्क की गई है और RV भी लोगों ने पार्क की है, क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट से आप ये बो लेक का व्यू बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आज मेरे रोड ट्रिप का 4th डे है और हमें और भी बहुत सारे लेक्स हैं और भी बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट है कवर करने हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए कौन सा पॉइंट वेट कर रहा है। क्या गजब की नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। तो रिवर का भी पानी एकदम टर्कोइज कलर का है, और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। तो अभी मैं आगे थोड़ा सा आ गई, वो माउंटेन के यहाँ से आपको व्यू दिखाया और थोड़ा सा आगे ड्राइव किया और मुझे ये वाटरफॉल दिखा है। अब यहाँ से आइस फील्ड सिर्फ 1 ही मिनट की दूरी पे है, तो ऐसे भी पॉइंट्स आपको रास्ते में ड्राइव करते वक्त दिखेंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे रुके हुए हैं, अगर आपको थोड़ा ऊपर भी जाना है तो वहाँ पे भी आप ऐसे जा सकते हैं। ऊपर के लिए रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है और वहाँ पर भी जाके वाटरफॉल को इंजॉय कर सकते हैं। पर मैंने गियर प्रॉपरली नहीं पहना है, मेरे शूज़ स्पोर्ट शूज़ नहीं है, तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं लूँगी वरना मैं फिसल जाऊँगी। तो इसीलिए मैं यहीं से ये व्यू को एंजॉय कर रही हूँ। चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल राइट देन, टेक केयर, बाय बाय।